हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण का डेट, टाइम और कुछ सावधानियाँ। और हम सूतक काल के बारे में भी बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण लगने से कितने घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। तो यह सब जानकारियाँ हम आप सभी को इसी वीडियो में देंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप सभी को हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सभी हमारे नए नए वीडियो को सबसे पहले और आसानी से देख सके। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। लेकिन उसके पहले हम कुछ सावधानियां जान लेते हैं जो जाने अनजाने में हमसे ग्रहण के दौरान हो जाती हैं। सबसे पहले हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, सुनसान जगहों पे नहीं जाना चाहिए, कहीं तिराहे या चौराहे पे कोई सामान वस्तु या पैसा गिरा हुआ हो तो उसे नहीं तो लांग के जाना चाहिए और ना ही उसे उठाकर अपने घर लाना चाहिए। हो सकता है उस सामग्री को या पैसे को लांगने से या उठा के अपने घर लाने से आपका दिन, महीना, साल किसी न किसी दिक्कत, बीमारी, उलझन में फंसे रहें और पूरा आपका साल बर्बाद हो जाए। इसीलिए यह काम नहीं करना चाहिए। आपको ग्रहण के टाइम में किसी से लेन देन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से झगड़ा झंझट करना चाहिए। इसे भी आपका 6 महीना, साल भर या किसी न किसी दिक्कत, उलझन, परेशानी में फंसे रह सकते हैं। इसीलिए आपको झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। भोजन पकाना नहीं चाहिए और ना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। आपको पूरे ग्रहण के दौरान में पानी भी नहीं पीना चाहिए, किसी भी मदिरा, पान, गुटखा का सेवन नहीं करना चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं या कोई बीमार है तो आप उसको घर का खाना न खिलाएं। बाजार से आप बिस्कुट, नमकीन, जो भी सामान लाए हैं उसको आप खिला सकते हैं, अन्यथा घर का खाना नहीं खिला सकते। आपके घर में अगर जो भी भोजन बचा हुआ हो उसमें 2 या 5 तुलसी जी का पत्ता डालकर रख दें। ग्रहण के टाइम में किसी पेड़ पौधे को या आपके घर में तुलसी जी का पौधा है उसे छूना वर्जित होता है। आपके घर में अगर मंदिर है तो उसका कपाट बंद कर देना चाहिए पूरे ग्रहण के दौरान में, और अपने मन में गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। अब खासकर गर्भवती महिलाएं ध्यान दें, ग्रहण शुरू होने से पहले वह अपने शरीर के बराबर एक धागा नापकर कहीं किनारे सुरक्षित जगह पर रख दें। इस टोटके को अपनाने से उनका बेबी सुरक्षित रहेगा और ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह टोटका पुराने जमाने से लोग मानते चले आ रहे हैं। आप भी इस टोटके को जरूर अपनाएं, आपका बेबी सुरक्षित रहेगा। ग्रहण शुरू होने के बाद से किसी भी धारदार या नुकीला चीज का प्रयोग न करें, जैसे सब्जी काटने के लिए चाकू का प्रयोग न करें या सिलाई बिनाई करने के लिए कैंची या सुई सिलाई मशीन का प्रयोग बिल्कुल न करें। वह सोए या बैठे ना, पूरे ग्रहण के दौरान में उन्हें सोना या बैठना वर्जित होता है। अपने घर के अंदर धीरे धीरे टहलते रहें, भोजन पकाए ना और ना ही भोजन ग्रहण करें, पानी भी ना पिए पूरे ग्रहण के दौरान में। ग्रहण खत्म होने के बाद से पानी में गंगा जल मिलाकर अपने घर में पोछा लगाएं और फिर स्नान करें, कुछ पैसा, अनाज या कपड़ा दान करें, सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और फिर नया भोजन बनाएं और ग्रहण करें। इससे आपके ऊपर ग्रहण का जो निगेटिव वातावरण भी होगा वह कटित हो जाएगा। अब आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का डेट और टाइम। तो दोस्तों, साल 2023 का दूसरा ग्रहण तो दोस्तों साल 2023 का पहला ग्रहण एक चंद्र ग्रहण के रूप में लगने वाला है। यह ग्रहण मई के महीने में दिखाई देगा, यानी कि 15 दिनों के अंदर दो ग्रहण लग जाएंगे। दोस्तों, साल 2023 का पहला ग्रहण 5 मई 2023 को घटित होगा। यह चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होता है। यह ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकेगा। अगर हम बात करें कि यह ग्रहण कब शुरू होगा तो दोस्तों, यह ग्रहण 8:45 से शुरू होगा, हो करके
शुरू होकर के देर रात 1 बजे तक चलेगा। ग्रहण कौन कौन सी देशों में दिखाई देगा? तो दोस्तों यह ग्रहण एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप, हिंद और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। दोस्तों क्योंकि यह ग्रहण एशिया में दिखाई देगा तो ऐसे में भारत में भी यह आंशिक तौर पर दिखाई देगा। हालांकि आंशिक होने की वजह से सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन ग्रहण काल मान्य होगा। चलिए जानते हैं साल 2023 का आखिरी ग्रहण कब लगेगा। दोस्तों साल 2023 का आखिरी ग्रहण एक चंद्र ग्रहण के रूप में होने वाला है और इस ग्रहण के खास बात यह है कि यह ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा और इस ग्रहण का जो भी सूतक काल और नियम है वह भारत में भी मान्य होगा। दोस्तों साल 2023 का आखिरी ग्रहण अक्टूबर में 29 अक्टूबर को पड़ने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण रात के 1:06 से शुरू होकर के रात 2:22 पर खत्म होगा। यह ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाएगा। हिंदू धर्म में सूतक काल के समय को अशुभ माना जाता है। इस दौरान सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और सभी प्रकार के शुभ कामों की मनाई हो जाती है। तो यह भी साल 2023 में लगने वाले सभी ग्रहों की जानकारी। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।